नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं योगेंद्र और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सीक्रेट मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा स्मार्ट बनना हम सबको अच्छा लगता है, कोई बुराई भी नहीं है इसमें। इस वीडियो के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स लोगों को सीक्रेट मैसेज भेज सकते हो, ऐसा मैसेज जिसे वो पढ़ेंगे और पढ़ते ही वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। आप वो मैसेज टेक्स्ट में भी भेज सकते हो, आप वो मैसेज ईमेल में भेज सकते हो। ठीक है दोस्तों, फ़ायदा क्या है, क्यों भेजना चाहिए? एक तो फ़न के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमें अपने दोस्तों को बताना है कि देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि आपको लग रहा है कि ऑटोमेटिक डिलीट हो जानी चाहिए, उसके बाद ज़्यादा देर तक नहीं रहनी चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको देनी है, तो आप इस तरह के मैसेज को भेज सकते हो। तीसरा, अगर आपको ऐसा कोई मैसेज देना है जिसमें कि आप चाहते हो कि आपका कोई सबूत सामने वाले के पास ना हो, तो आप इस तरह के मैसेज का यूज़ कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें होता क्या है, आपने जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ तो देखी होंगी, उसमें क्या होता था, जेम्स बॉन्ड को जैसे ही अपना मैसेज मिलता था और वो फ़ोन का रिसीवर रख के हटेगा, वैसे ही उस बॉक्स में से धुआं निकलता था और वो फ़ोन का जो बॉक्स होता था वो ब्लास्ट हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हमारा जो मैसेज है जो हम भेजेंगे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ताकि जिसको रिसीव हुआ है उसके पास हमारे अगेंस्ट कोई भी सबूत ना हो दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल का आइकन बनेगा, उसे भी ऑन कर देना। बेनिफिट क्या होगा कि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आपको उसका अपडेट मिल जाएगा और आपसे वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले तो अगर आप ये छुपाना चाहते हो कि ये मैसेज आपने भेजा है, ठीक है, आप किसी को भी भेज सकते हो, लेकिन अगर आप ये छुपाना चाहते हो कि ये मैसेज आपने भेजा है, तो जैसा कि मैंने बताया दो तरीके हैं, आप इसे मैसेज में भेज सकते हो टेक्स्ट मैसेज में, दूसरा तरीका है आप इसे व्हाट्सएप से भेज सकते हो, तीसरा तरीका है आप उसे ईमेल से भेज सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मैंने अपने वीडियोज़ में, मेरे वीडियोज़ में आप जाके देखिएगा, मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको फेक मेल कैसे भेज सकते हो, हाउ कैन यू सेंड फेक ईमेल्स, मतलब आप किसी की भी ईमेल आईडी से किसी को भी ईमेल कैसे भेज सकते हो, वो मैंने बताया हुआ है। तो आप अगर उसका यूज़ करके ये मैसेज भेजोगे किसी को, तो उसे आपकी आइडेंटिटी नहीं मालूम पड़ेगी, उसे नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने ये भेजा है। दूसरा, अगर आप व्हाट्सएप से भेजना चाहते हो, तो मैंने आपको बताया है कि आप अपना ओरिजिनल नंबर छुपा के किसी अमेरिकन नंबर के थ्रू किस तरह से व्हाट्सएप अपने फ़ोन में आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मैंने बताया है, वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया और टेक्स्ट रह गया। तो टेक्स्ट जो है आपको नहीं करना है, क्योंकि टेक्स्ट आप अगर करेंगे तो आप डेफिनेटली अपने मोबाइल से करेंगे, जिसमें कि आपका जो है आइडेंटिटी पता लगने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट आपको नहीं करना है, टेक्स्ट आपको तभी करना है जब आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना चाहते हो और सिर्फ आप ये चाहते हो कि मेरा मैसेज पढ़ने के बाद में डिलीट हो जाए, तो आप अपने मोबाइल नंबर से उसको टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये काम करता है। दोस्तों वेबसाइट का नाम है प्रिवनोट, आपको प्रिवनोट ओपन करना है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, privnote.com आपको ओपन करना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। न्यू नोट लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप नोट करो। फॉर एग्जांपल मैं अपने किसी दोस्त को डराना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, हाय, दीपक, डू वट एवर यू वॉन्ट। तो दोस्तों मैंने ये मैसेज लिखा है अपने एक दोस्त के लिए, जिसको कि मैं थोड़ा डराना चाहता हूँ। ठीक है, आप इस तरह का कुछ मत कीजिएगा, अगर करेंगे तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करेंगे। तो क्रिएट नोट पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, तो अभी ये मेरा नोट को जो है स्टोर कर रहा है प्रिव नोट में और इनक्रिप्ट कर रहा है। थोड़ा वेट करेंगे तो इस तरह से जो है हमको ये लिंक मिल जाता है, हम इस लिंक को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। अब ये लिंक आप चाहो तो व्हाट्सएप से भेज दो, चाहो तो ईमेल से भेज दो, चाहो तो टेक्स्ट मैसेज कर दो। ठीक है,
होगा क्या, जैसे ही कोई भी बंदा इस लिंक पे जाएगा, जिसको भी आप ये भेजोगे वो लिंक पे क्लिक करेगा और ये मैसेज ओपन होगा। और देखिए बता रहा है रीड एंड डिस्ट्रॉय, यू आर एबल टू रीड एंड डिस्ट्रॉय द नोट विथ आईडी। तो यश शो मी द नोट, जैसे ही वो इस पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसको मैसेज दिखाई दे जाएगा, हाय दीपक आई विल किल यू टुमारो डू वॉट एवर यू वॉन्ट। और ये मैसेज जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ या बैक लगा देता हूँ, ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है, ये देखो गायब हो गया। अब भले ही मैं वो यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँ और गो करूँ, लेकिन वो नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब वो डिलीट हो गया है। और वो 37 सेकंड पहले डिलीट हुआ है। अब उसको आप दोबारा नहीं देख सकते हो, सामने वाला बंदा उसको दोबारा नहीं देख सकता मैसेज को। एक बार उसने पढ़ लिया और जैसे ही वो पढ़ के हटेगा वो डिलीट, तो आप उसको सिर्फ यही लिख के भेज दो कि देयर इज़ अ सीक्रेट मैसेज फॉर यू, और नीचे वो लिंक डाल दीजिए। जैसे ही वो क्लिक करेगा, मैसेज पड़ेगा, उसे तो मालूम नहीं है ये डिलीट होने वाला है, तो वो जैसे ही वहाँ से हटेगा वैसे ही वो मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है तो फिर फेक मेल कीजिए। फेक मेल कैसे करना है, वीडियो बना हुआ है। व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप आप अमेरिकन नंबर से कैसे यूज़ कर सकते हो, वो भी वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, फन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और जासूसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, अब डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।